हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बी गेमिंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी स्पेक्स रिलीज हुआ है इस गेम का, और मैं किस गेम के बारे में बात कर रहा हूँ। वो गेम है अवतार फ्रंटियर्स ऑफ पेंडोरा। उसके लीक्स देखते ही मेरी तो हवा गुल हो गई, तो आज की वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। मैं आपको सीधे वेबसाइट ले चलता हूँ। मेरे तो होश उड़ गए कि जब मैंने देखा स्पेक्स कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम में आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास i5 8600K है, जो कि 6 कोर 6 थ्रेड, तो नहीं बोल सकते, फिजिकल 6 कोर ही है। जो बंदा मिडिल क्लास का है वो तो बिल्कुल ही मतलब कैसे खेलेगा उस गेम को। ग्राफिक कार्ड तो अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। और देख के आप लोगों की भी हालत ख़राब हो जाएगी कि अब जो गेम्स आ रही हैं, जैसे एलन वेक होगी, और अब ये आई है गेम, इसको देख के भी मेरी और हालत ख़राब हो गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे। चलिए, तो गाइस हम सीधा स्पेक्स की तरफ चलेंगे। तो ये रहा, ये थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा, ये रहा अवतार फ्रंटियर्स ऑफ पेंडोरा पीसी स्पेक्स। तो गाइस ध्यान से देखिए, मिनिमम में 1080p में लो विद FSR क्वालिटी ऑन करके 30 FPS। बाप रे, आपके पास CPU होना चाहिए 3600 एक्स, नॉन एक्स होना चाहिए, या 3600X भी है तो चलेगा, और इंटेल का i7 8700K मिनिमम में, ठीक है। ये मिनिमम में आ रहा है, सारी रिक्वायरमेंट मिनिमम बता रहा हूँ मैं। रैम आपके पास होनी चाहिए 16 GB, ठीक है, ड्यूल चैनल में लगी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए विंडो 10 और विंडो 11, और स्टोरेज चाहिए 90 GB SSD, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग रिकमेंड में। हाई 1080p में, हाई विथ FSR 2 क्वालिटी, ठीक है, 60 FPS। भाई आप नेटिव रेजोल्यूशन में मुझे नहीं लगता है खेल पाओगे, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि FSR तो इनेबल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जिनके पास AMD Ryzen 5600X है, या जिनके पास इंटेल i5 है 11600K, उनके लिए अच्छा है, वो रिकमेंड में ये आ रहा है। और ग्राफिक कार्ड चाहिए उनको AMD RX 6700XT 12 GB VRAM होनी चाहिए कम से कम, और एनवीडिया का RTX 3060 Ti 8G, रैम 16 GB चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या विंडो 11, दोनों में चलेगी। और जिनके पास सबसे तगड़ा वाला GPU है, तगड़ा वाला CPU है, उनके लिए है, जिनको 1440p या 4K में खेलना है, ठीक है, तो हम थर्ड वाले में आते हैं। जिनको 1440p हाई में खेलना है, FSR ऑन करना पड़ेगा क्वालिटी मोड में, 60 FPS आएंगे, और राइजन सॉरी 5600X या 5900X, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इंटेल का i5 11600K, और GPU होना चाहिए उनके पास 6800XT 16 GB वेरियंट, एनवीडिया की तरफ से RTX 3080 10 GB वाला, 16 GB रैम चाहिए। तो गाइस यहाँ पर रैम तो 16 GB ही रहे मांग रहा है, रैम ज़्यादा मांग ही नहीं रहा, तो 16 GB इनफ है आपके सिस्टम में। अगर आप नया PCB बिल्ड करा रहे हो तो 16 GB इनफ है, क्योंकि यहाँ पे CPU GPU दोनों मांग रहा है, वो भी अच्छा वाला।
जिनको 4K में खेलना है वो अल्ट्रा विद FSR बैलेंस में खेल सकता है। देखो 60 FPS राइजन का होना चाहिए उसके पास, 5800X 3D वाला प्रोसेसर, इंटेल की तरफ से i7-12700K, AMD का RX 7900XT X 24 GB VRAM। भाई 4K में खेलना है तो भाई VRAM ज़्यादा ही चाहिए। एनवीडिया का RTX 4080 16 GB रैम, वही 16 GB। भाई इतने खतरनाक स्पेक्स निकाले हैं। मिनिमम में मेरा है इंटेल का i5 8600K, i5 8700K। इन दोनों को कंपेयर करूं मैं 8700K से तो दोनों बराबर परफॉर्मेंस है, क्योंकि उसमें 8700K में 6 कोर 12 थ्रेड है। लेकिन क्या फ़ायदा है ये सब बातें करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि देखो ये लीक हो चुका है ये गेम का स्पेक्स, अभी अभी मैंने देखा तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो गाइस रैम इनफ है 16 GB, आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा सकते हो 32 GB, लेकिन आपके पास CPU और GPU दोनों अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर एलन वेक गेम चल गई है ठीक है तो हो सकता है ये भी चल जाए। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये स्क्रीनशॉट इन्होंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। और वो देखो ये देखिए 60 FPS PC Benchmark Tools Included, ग्राफिक्स तो बहुत इनसेन है आजकल गेम है ना। और ये यूबीसॉफ्ट का गेम है। तो गाइस ये स्पेक्स ध्यान से देख लो ठीक है, ये लीक स्पेक्स है और ये ऑफिशियल है, ये कोई फेक नहीं है ठीक है। जीपीयू में मिनिमम में चाहिए 1078 GB, क्या फ़ायदा, मेरे पास RX 6050 XT है, चलो मान लिया रिकमेंड में आ गया मेरे से ठीक है, लेकिन सीपीयू वीक है ना मेरा। चलिए कैसे भी करके खेलेंगे, अब क्या कर सकते हैं। अब मिडिल क्लास बंदा क्या करेगा भाई, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूबीसॉफ्ट का गेम है ये, पीसी स्पेक्स मिनिमम मैंने आपको बताया रखा है, ये देखिए इन्होंने भी साफ साफ मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ये रूमर्स नहीं है गाइस, ये ऑफिशियली है ठीक है, आपको ट्विटर में भी मिल जाएगा ये। तो आज की वीडियो में आपको ये स्पेक्स मैंने बताया, कैसा लगा आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो सीपीयू के बारे में मुझसे ठीक है, कौन सा बनवाना चाहिए क्या है आप पूछ सकते हो मेरे से ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी मुझे काफ़ी काम करना है, बेंचमार्क वीडियो डालनी है ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।